हे गाइस, वेलकम माय ब्लॉग। सो कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ अपने बिहार का अनुग्रह नारायण स्टेशन। आफ्टर लॉन्ग टाइम मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, तो मैंने देखा यहाँ पे पहले से बहुत कुछ बदल चुका है, तो मैंने सोचा क्यों ना एक छोटा सा एक्सप्लोर वीडियो बना दिया जाए। तो यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे ही हम लोग यहाँ पर ट्रेन से उतरते हैं तो यहाँ का प्लेटफॉर्म देख सकते हैं अभी कितना क्लीन है। यहाँ पर हाउस कीपिंग का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। और ये देख सकते हैं ट्रेन जो है दिल्ली से पूरी के लिए जा रही है, और इसी ट्रेन से हम लोग आए। और देख सकते हैं यहाँ पे खास बात यह है कि पहले जो ओवरब्रिज थी ना, अब मतलब पहले से बिल्कुल बदल चुका है। यहाँ पे अगर आपके पास भारी सामान कुछ है ना, तो यहाँ पे देख सकते हैं रैंप का इस्तेमाल कर सकते हैं, आसानी से ट्रॉली को लेकर जा सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म से अगले प्लेटफॉर्म में जाने के लिए बिल्कुल आसान तरीका यहाँ पर बनाया गया है, तो पहले से बहुत बेटर हो चुका है। इसलिए यहाँ पर कंप्लेंट था पहले, तो अभी बहुत सुधार हो चुके हैं यहाँ पे अनुग्रह नारायण स्टेशन में। और हाउसकीपिंग की देख सकते हैं, बात करें तो यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे ओवरब्रिज के ऊपर में भी देख सकते हैं कितना क्लीन, नीट एंड क्लीन है। लोग ख्याल रख रहे हैं चीज़ों का, क्योंकि इंसान के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत सारे लोग यहाँ पे गुटखा, पान, सिगरेट, बीड़ी खाकर यहाँ पे यूज़ करके प्लेटफॉर्म पर डाल कर चले जाते हैं, या रैम्प पे यूज़ कर लेते हैं। तो इस तरह से मतलब लोग हाउसकीपिंग का ख्याल भी रख रहे हैं। और तो ऐसा ना करें बिल्कुल कभी भी, आप कहीं भी जर्नी करें तो आप हाउसकीपिंग का पहले ख्याल रखें। तो हमारा जो अनुग्रह स्टेशन है पहले से बिल्कुल काफ़ी बदल चुका है। तो हम लोग अभी जा रहे हैं, नीचे उतरेंगे, उतरते ही यहाँ पे हम लोग को यहाँ से ऑटो लेना है। तो हम लोग जस्ट अभी रैंप से उतर ही रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो जैसे ही उतरेंगे ना आप, तो सारे ऑटो ड्राइवर आपके पास यहाँ पर जाएंगे, क्योंकि पहले भी ऐसा होता था और अभी भी। ये काफ़ी बड़ा ओवरब्रिज यहाँ पर बनाया गया है, देख सकते हैं अभी कहाँ बिल्कुल बाहर, बिल्कुल अलग लाइन में यहाँ पर निकाल रहा है। पहले क्या था, बिल्कुल अलग था। अगर आज से 4-5 साल पहले आप आए होंगे ना अनुग्रह स्टेशन में, तो बिल्कुल अलग दिखता होगा आपको। तो अभी देख सकते हैं यहाँ पे ये व्यू ऐसा है, और यहाँ पे भी ऑटो आपको मिलता है। देख सकते हैं यहाँ पे ऑटो लेना है यहाँ से आपको, डिमांड तो आपके हिसाब से मतलब करते हैं लोग, ज़्यादा डिमांड करते हैं तो आपको यहाँ पे बार्गेनिंग करना ही पड़ता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे ऑटो अभी कर लिया, जैसे ही हम लोग यहाँ पे ऑटो में बैठेंगे और बैठने के बाद हम लोग निकलेंगे अपने गाँव की तरफ। तो ये था आपका अनुग्रह नारायण स्टेशन। और मुझे कमेंट करके बताया जो लोग भी यहाँ पे औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट से है, क्योंकि यहाँ पे बहुत जगह का ट्रेन यहाँ पे आती है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हर जगह की ट्रेन यहाँ पे रुकती है। अगर तो लोग यहाँ पे औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट वाले लोगों के लिए बिल्कुल आसान हो जाता है, आसानी से यहाँ पे जाते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही ब्लॉग था। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।